जिसके लिए सभी कुनकुरी के किसानों को, जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। उसी प्रकार से ललू मैं सभी साथियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। इससे भी क्योंकि दोनों जिला में बहुत दूर दूर हमारे जंगल के गांव हैं और ये शाखा, दोनों शाखा खुलने से निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को, खासकर आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के साथी हैं, जो किसान हैं, सबको ये परेशानी होती थी। इससे पुनः आप सबको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपेक्स बैंक के अध्यक्ष जी को, अधिकारियों को, जिन्होंने आपकी समस्या को समझते हुए प्रारंभ की, जिससे बड़ी राहत हमारे जसपुर जिला के भी और रायगढ़ जिले के साथियों को मिला है। आदरणीय साथियों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत, कृषि के प्रति आकर्षण बढ़ा और यही कारण है कि 2017 में जहां 12 लाख किसान खेती करते थे, आज 22 लाख किसान धान बेचे हैं और जहां 60 लाख मीट्रिक टन, अब जाके 98 लाख मीट्रिक टन, मतलब सीधा सीधा 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लगभग 6,000 करोड़ वो अलग पहुंचेगा, 3 किस्त पहुंच गए जो इस वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है, वो चौथा किस्त किसानों को भी मिलेगा, गोधन न्याय योजना को मिलेगा, अन्य साथियों को भी, जो हमारे भूमिहीन कृषक किया जाएगा तो इसका लाभ मिलेगा। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। अभी जैसे अध्यक्ष जी से मैं पूछ रहा था कि व्यापार कितना बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि लगभग 800 करोड़ के कृषि लोन और बैंकिंग, जो धान के विक्रय, उसके साथ साथ अब गोधन न्याय योजना का पैसा, श्रमिकों का पैसा, साथ ही जो लघु अनुपज न केवल 65 खरीदी कर रहे हैं बल्कि उसको वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, तो वो भी बैंकिंग के माध्यम, कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ही बैंकिंग हो रहा है, तो उसका लाभ अब भूमिहीन कृषक भी इससे जुड़ेंगे। हमारी कोशिश यही है कि सहकारिता बढ़े, सहकारिता फले फूले, ये किसानों के, गांव के, गरीबों के, मजदूरों के या बैंक है, और जितना लेन देन बढ़ेगा उतना ज्यादा आत्मविश्वास और इसका लाभ सीधा सीधा आम जनता को भी सुविधाएं मिलेगी और बैंक भी आर्थिक रूप से सबल होगा। और इसके साथ साथ हम सभी फसल है, उद्यान की है, अब तो इस साल कोदो कुटकी क्विंटल खरीदी, तो इसके माध्यम से भी बैंक को इसका भी लाभ मिलेगा।